तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेस्टी गुलाब जामुन, जिसे देखते के साथ आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए आज हम बनाते हैं गुलाब जामुन, वो भी सूजी से, जो बहुत ही सिंपल है और इसे आप घर पे कोई भी ओकेजन में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों कि आप मार्केट के गुलाब जामुन खाना भूल जाएंगे और इसे घर पर बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गुलाब जामुन बनाने से पहले हम सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए कोई बड़े से बर्तन में हम चाशनी बनाएंगे। आप कोई कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 कप चीनी ले रही हूँ। आप कोई भी सिंपल कप से मेज़रमेंट ले सकते हैं, लेकिन वही कप से आपको आगे भी मेज़रमेंट लेनी है। तो मैंने 2 कप चीनी ले लिया है और इसमें मैं 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ उसी सेम कप से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गैस का फ्लेम अब हम मीडियम में कर लेते हैं और इसे हम चलाना शुरू कर देते हैं। तो आप इसे लगातार चलाते रहेंगे तो चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में। और इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने तक इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं बर्तन में। तो देखिए एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो इस वक्त में हमें क्या करना है, जब चीनी में उबाल आ जाएगी तो आप केसर के 5 से 6 धागे इसमें डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप फूड कलर 1 पिंच डाल सकते हैं, उससे इसका कलर चाशनी का बहुत अच्छा आएगा। और नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची के दाने को क्रश कर लिया है। आप पाउडर भी डाल सकते हैं 1/4 छोटी चम्मच। इससे आपकी चाशनी की फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी और इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो देखिए चीनी में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। और हमें कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, हमें बस इसमें थोड़ी सी स्टिकीनेस आने देनी है, यानी चिपचिपापन आ जाएगा। तो बस हम उस वक्त चाशनी को गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। तो लो टू मीडियम में इसी तरीके से 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे और सावधानी से आप इसे हाथ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारी चाशनी में थोड़ा सा चिपचिपापन आ गया है। तो बस इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। तो बस इसे साइड करके रख दें और चलिए अब हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो आप एक पैन ले लें और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, देसी घी है, आप बहुत अच्छी लगेगी। घी में आप इसे सूजी को फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने सूजी ली है, जब हम मार्केट से लाते हैं उसे मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस लिया है, यानी इसे टेलकम पाउडर की तरह नहीं पीसा है लेकिन थोड़ा सा बारीक कर लिया है। तो बस आप इसे एक बार मिक्सी में चला लें, बहुत अच्छा रहेगा, दरदरापन नहीं रहेगा, तब आपके गुलाब जामुन एकदम स्मूथ बनेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो आँच को आपको लो में रखना है, हाई में रखेंगे तो ये जल सकती है। तो बस लो आँच में रखेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे थोड़ा सा, बस इसे ब्राउन होने नहीं देना है। और जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो गैस का फ्लेम बंद ही करके कम करके रखें। और इसमें यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर मिलाया है, आप डेरी वाइटनर भी मिला सकते हैं इसमें। और इसे हम थोड़ी देर के लिए, यानी 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे। तो अभी इस टाइम मैंने गैस का फ्लेम लो में रखा है, इसे तेज हमें नहीं करना है, नहीं तो सारी चीज़ जल जाएंगे। तो बस इसे चलाते रहेंगे और इसे बंद नहीं करेंगे चलाना। तो बस 1 से 2 मिनट होने दीजिए। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से सारे चीज़ रोस्ट हो चुके हैं। तो आप क्या करें, आप इस टाइम पे गैस का फ्लेम बंद कर लें, उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर लिया है और यहाँ पे मैंने, देखिए सेम कप से मैंने मेज़रमेंट लिया है सूजी का भी और दूध का भी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध डाल लिया है और दूध हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ा मैंने नहीं लिया है, जस्ट लाइटली लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 कप दूध डाल लिया है और इस टाइम पे मेरा गैस का फ्लेम एकदम बंद करके रखा है। अगर हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे तो सारी ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और सूजी नहीं पकेगी। तो इस टाइम पर हमें गैस का फ्लेम बंद कर लेना है। और देखिए ये इस तरीके से गुठलियाँ बनना शुरू हो चुकी है। तो हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच चीनी। इस वक्त आप 1 चम्मच इसमें चीनी डालें ताकि सूजी का जो टेस्ट है वो फीका फीका सा नहीं लगेगा। तो हम इस टाइम 1 चम्मच चीनी डालेंगे सूजी के लिए, क्योंकि बाद में तो हमें इसे चाशनी में ही डालना है। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे, यानी यहाँ पे मैंने 1 पिंच फूड कलर ले लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। इससे जो सूजी का, जो सूजी में वाइटनेस होती है, उसे ये ख़त्म कर देगी और इसका कलर थोड़ा सा येलोइश आएगा। तो जब आप इसे बनाएंगे तो ये खाने में बहुत अच्छी, मतलब देखने में बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल किया है।
अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम कर लेते हैं ऑन, लेकिन हम आँच को एकदम कम करके रखेंगे और इसे इसी तरीके से चलाना शुरू कर देंगे। तो अभी ये काफ़ी गीला गीला सा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप इसे लगातार चलाते जाएंगे तो ये एकदम डो की कंसिस्टेंसी में आना शुरू हो जाएगी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसानी से बनाना, मैंने बहुत ही स्टेप वाइज आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। और इस तरह से देखिए धीरे धीरे करके एकदम डो की तरह हो गई है, ये पैन छोड़ना शुरू कर दी है। तो हमारी इस टाइम डो तैयार हो चुकी है। तो चलिए गैस का फ्लेम कर लेते हैं बंद, और मैंने इसे निकाल लिया है एक थाली में। तो देखिए, और इसे थोड़ा ठंडा कर लिया है हमने। यहाँ पे मैंने लिया है 4 पिंच बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा जो हमारे घर में अवेलेबल होती है। इसमें हम मिला लेंगे थोड़ा सा दूध ताकि ये एक्टिवेट हो पाए, क्योंकि ड्राई अगर बेकिंग सोडा रहेगी तो हम इसमें मिलाएंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगी और इधर उधर अच्छी तरीके से ये मिक्स नहीं हो पाएगी। तो लिक्विड में ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। तो हम इसे दूध में डाल के इस तरीके से, जैसे कि हाथ से, हम इस तरह से प्रेस करके चारों तरफ मिला लेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इलायची का जो क्रश करके इसमें भी डाल लेंगे, ताकि जब हम खाएंगे गुलाब जामुन तो थोड़ी सी फ्लेवर इसकी आएगी तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो बस अब चलिए अब इसकी एक अच्छा सा मसाज करना शुरू कर देते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें या फिर तेल लगा लें और इसे एक अच्छा सा मसाज दे दें, यानी एकदम से आटे की तरह गूंध डालिए। इसमें थोड़े बहुत जो लम्स रहेंगे वो भी चले जाएंगे। तो एकदम से 10 से 15 मिनट इसे गूंधिए, इससे आपके गुलाब जामुन एकदम से नहीं फटेंगे और गारंटी वाले गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से डो की तरह मैंने इसे गूंध लिया है। तो बस इसी तरीके से आप कर लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ किशमिश ले लिए हैं गुलाब जामुन के बीच में डालने के लिए, ताकि बहुत ही मज़ा आएगा खाने में जिसे भी आप खिलाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। तो आपको गुलाब जामुन कोई भी, मैंने यहाँ पे एक चम्मच ले लिया है, एक बड़े टेबल स्पून का चम्मच, मेरे पास मेजरिंग स्पून है तो मैंने उसे ही ले लिया। इसमें मैं डाल लूँगी एक किशमिश इस तरीके से और इसे बंद कर दूँगी। तो इस स्पून को मैंने इसलिए इस्तेमाल कर लिया है दोस्तों, ताकि आप इक्वल शेप में गुलाब जामुन को बना पाएँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी चम्मच ले लें ताकि ये इक्वल शेप में गुलाब जामुन बन पाएँ। तो आप अपने मनपसंद से बड़े छोटे साइज़ के गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी डो की जो ऊपर की लेयर है वो कितनी स्मूथ बनी है। तो आपको इसी तरीके से बनानी है गुलाब जामुन। और आप इसमें बीच में कोई भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश बहुत अच्छी लगती है तो इस तरीके से आप किशमिश डालें, नहीं तो आप ऐसे भी गुलाब जामुन खाली भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे गुलाब जामुन बना लेनी है। देखिए है ना दोस्तों, बहुत आसान। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रही हूँ मैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि देखते वक्त आप भूल जाते हैं लाइक करना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और ध्यान रखना है आपको कि तेल अच्छी तरीके से गर्म कर लें और आँच को एकदम से लो में कर लें। और अगर बहुत तेज़ गर्म हो गई है तो आप इसे गैस का फ्लेम बंद कर लें। तो चलिए अब हम इसे डालना शुरू कर लेते हैं। तो एक एक करके, एक बार में बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन नहीं डालेंगे, नहीं तो ये एक दूसरे में चिपक भी सकते हैं या फिर टूट भी सकते हैं। और बस थोड़ी देर के बाद आपको क्या करना है, इसे हल्के हल्के स्पून से पलटना है। आपको कोई बड़ी वाली करछी से नहीं पलटनी है, नहीं तो आपके गुलाब जामुन है तेल में ही रह जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही छोटी छोटी सी स्टेप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं बने और बिल्कुल भी फटे नहीं। तो बस इसी तरीके से हल्के हाथों से जेंटली आप इसे पलटें, और देखिए ये काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा और हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए इस टाइम पे ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं गुलाब जामुन। तो इसे हम निकाल लेंगे और देख सकते हैं दोस्तों ये एक भी नहीं फटे हैं। तो इसलिए आपको आँच को लो टू मीडियम में इसे पकाना है। तो इस बात का आपको
ध्यान रखना है। और इसे हमने डाल लिया चाशनी में डायरेक्टली, तो देखिए किस तरीके से एकदम से, और जब ये रस पियेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगेंगे। तो इसे 4 से 5 घंटे आपको चाशनी में डुबो के रखना है, और इसे बीच में आप पलट भी सकते हैं ताकि इसके अंदर पूरी तरीके से रस चला जाए। और दूसरा बैच भी हम उसी तरीके से आँच को लो टू मीडियम में फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी पके और बाहर से भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो बस इसी तरीके से आपको फ्राई करनी है। तो चलिए दोस्तों, 4 से 5 घंटे के बाद मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ टेस्टी गुलाब जामुन। मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, मुझे खाना है। तो आप भी इसे ट्राई करें, घर पे बनाएं, सभी के साथ शेयर करें। और इस लॉकडाउन में तो बहुत ही अच्छा है, जब आप घर में रहते हैं तो इन सारी टेस्टी मिठाई को ज़रूर घर पर बनाएं और इसके मज़े उठाएँ। तो चलिए मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ। देखिए इसके अंदर की अंदर का जो टेक्सचर है वो येलोइश है, और कितनी फ्लफी है, इसके अंदर कितनी सारी रस गई है आप देख सकते हैं। मैं आपको प्रेस करके बता रही हूँ, तो ध्यान ना बहुत ज़बरदस्त। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।